नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पांच ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं जो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक बेसिकली ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी कीमत कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट पोटेंशियल के मुकाबले कम होती है। इन स्टॉक के फंडामेंटल तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट में ये स्टॉक काफी सस्ते में ट्रेड हो रहे हैं। इन स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पीई से 2 से 3 गुना कम है। करंट मार्केट प्राइस भी 200 रुपए से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 25% से भी ज्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% है एंड सेल्स ग्रोथ 25% है। इन कंपनीज पर डेप्ट माने कर्जा ना के बराबर है। EPS माने अर्निंग पर शेयर 20 रुपए से भी ज्यादा है। इन 5 कंपनीज में से एक स्टॉक फाइनेंस सेक्टर का है, एक स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, एक स्टॉक स्टील सेक्टर का है एंड बाकी बचे 2 स्टॉक ट्रेडिंग सेक्टर के हैं। आपको इन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? उसका फर्स्ट रीजन है, इन सभी कंपनीज का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है एंड पैनिक कैप होने के कारण इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड सेकंड रीजन ये है कि इन सभी कंपनीज की सेल्स, प्रॉफिट एंड रिजर्व तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ये है, प्रमोटर्स इन कंपनीज में अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर की है। यदि आपको इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। हमारा फर्स्ट स्टॉक GK वायर्स लिमिटेड है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन, केबल एंड कंडक्टर, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, मरीन एंड माइन इंडस्ट्रीज, विंड एंड सोलर पावर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर में यूज होने वाले एप्लीकेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और जर्मनी में कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करे जाते हैं। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स में गोदरेज ग्रुप, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, KPTCL, लार्सन एंड टर्बो, भेल एंड MGVCL शामिल है। दोस्तों, कंपनी की फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 है एंड इंडस्ट्री PE 20 है। PE रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू भी 19 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 42% है, जो काफी बढ़िया है। 15 से 20% ROCE एंड ROE को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तो यहाँ डबल से भी ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ 11.1% है, प्रॉफिट ग्रोथ 129% है एंड दैट्स व्हाई कंपनी 0.63% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। डेप्ट इक्विटी 0.58 है। कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 183% का अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। कंपनी की सेल्स तेजी से बढ़ी है, यहाँ देख सकते हैं 30 करोड़, 26 करोड़, 40, 61, 80, 64 एंड सो ऑन। एंड मार्च 2018 में कंपनी ने 100 करोड़ से सेल्स की थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 399 करोड़ सी हो गई। नेट प्रॉफिट भी 13 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया। नेट कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, जिसे पॉजिटिव साइन माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 59% है। ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर काफी स्ट्रांग नजर आता है एंड पियोत्रास्की स्कोर 9 out of 9 है, जिससे पता चलता है इसके फाइनेंशियल जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा सेकंड स्टॉक धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स लिमिटेड है। कंपनी मेजरली वुड पल्प एंड पेपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जब आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे एंड प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी सेक क्राफ्ट पेपर बैग, आर्ट पेपर का इस्तेमाल बिजनेस कार्ड और शादी के कार्ड प्रिंट करने में उपयोग होता है। इसके अलावा कंपनी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले कागज भी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी कुछ नॉन पेपर प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें सेलुलोज पाउडर, हाइजीन प्रोडक्ट, फाइबर सीमेंट एंड फिल्टर के बिजनेस शामिल हैं। कंपनी की फंडामेंटल्स देखो तो इसका स्टॉक PE 5.86 है एंड इंडस्ट्री PE 34.5 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी जो है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है एंड ROCE एंड ROE रेस्पेक्टिवली 28.7 एंड 20% है, दोनों ही काफी बढ़िया है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया था एंड कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। कंपनी 0.72% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है एंड प्रमोटर्स के पास 47.64% की होल्डिंग है। हमारा थर्ड स्टॉक MK एक्सिम है, जो मल्टीपल सेक्टर ऑफ बिजनेस में वर्क करता है। कंपनी बड़े स्तर पर फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी ऑल ओवर
इंडिया में FMCG प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड के पास एक स्ट्रांग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 5500 सलून का नेटवर्क है। इस सलून नेटवर्क के जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी ने अपना बिजनेस मल्टीपल सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रखा है, जो इसे इकोनॉमिक डाउनटर्न से बचाता है। इसके पास स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिलीफ सप्लायर भी है। मींस किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज के बाद कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के जरिए रिलीफ मटेरियल सप्लाई करती है। करेंटली कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में एक्सपेंड कर रही है। एमके एक्जिम का PE रेशियो 16.7 है एंड इंडस्ट्री PE 34 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% है। कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 17% का एक डिसेंट रिटर्न दिया है। डेप टू इक्विटी 0.04 है। कंपनी का चार्ट देखें तो करेंटली कंपनी अपने स्ट्रांग सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रही है। यदि यहां सपोर्ट ब्रेकआउट देता है तो आपको कंपनी को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, बट अपनी रडार में रखना चाहिए क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक कैटेगरी का है और इसके फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस स्टॉक की जो सबसे अच्छी बात है वो है प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा, इसलिए वो अपना स्टेक इस कंपनी में कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने अब तक अपना स्टेक 27% से बढ़ाकर 42% कर लिया है। हमारा फोर्थ स्टॉक है कीकॉर्प। कीकॉर्प एक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 58.6 करोड़ है और मेजरली ये उत्तर प्रदेश में अपना बिजनेस करती है। कंपनी इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए व्हीकल्स लाइक 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और कार्स पर फाइनेंस उपलब्ध करवाती है एंड अपने सरप्लस फंड को कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 47.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रखी है। कीकॉर्प दो तरह से इनकम जनरेट करती है। पहला, कंपनी व्हीकल लोन पर ब्याज चार्ज करती है एंड दूसरा इनकम सोर्स डीलरशिप और लोन प्रोसेसिंग की फीस एंड कमीशन के जरिए आता है। कंपनी का बिजनेस काफी सिंपल और लिमिटेड है। कंपनी सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी सिर्फ व्हीकल सेगमेंट में। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 0.84 है, एक से भी कम है, जबकि इंडस्ट्री पी 19.2 है। मींस कंपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड है एंड ग्राहम नंबर इस चीज को जस्टिफाई भी करता है। बुक वैल्यू 28.3 है। कंपनी का ROCE एंड ROE काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.1% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी 32.1% है। मतलब कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने काफी बढ़िया 107% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर का रिटर्न भी डिसेंट है, जो कि 91% है। प्रमोटर होल्डिंग 69.1% है। सेल्स ग्रोथ 99% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 102% है। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी 0% है। अर्निंग पर शेयर 117 है, ये भी काफी बढ़िया है और काफी ज्यादा है। मतलब कंपनी एक शेयर पर 117 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। टेक्निकल एक्सपर्ट से देखें तो कंपनी अभी अपने रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रही है, दैट्स वाई इसे अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, बट इसे आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारा लास्ट स्टॉक है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड। ये एक रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है जो प्रॉपर्टी ओनरशिप, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसकी बिजनेस एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इसके तहत कंपनी वेरियस टाइप ऑफ रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लैंड, प्लॉट, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस एंड वेयर हाउसेज को ऑन एंड मैनेज करती है। सेकेंड है डेवलपमेंट। इसके तहत कंपनी अदर डेवलपर्स और लैंड ओनर्स के साथ मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती है। थर्ड है लीज एंड रेंटिंग। इसके तहत कंपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पर देती है और इनकम जनरेट करती है। कंपनी के की फंडामेंटल्स देखें तो इसका मार्केट कैप है वो 491 करोड़ का है। स्टॉक पी 5.17 है एंड इंडस्ट्री पी 28 है। मींस कंपनी अपनी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 times अंडरवैल्यूड है एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर लगता है स्टॉक प्राइजेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ROCE जो है वो 482% का है एंड ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 389% का है। दोनों ही काफी बढ़िया स्थिति में है। शायद ही इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी कंपनी होगी जिसका ROCE एंड ROE दोनों इतना बढ़िया हो। लास्ट 1 ईयर में भी कंपनी ने 197% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 6 महीनों में 215% का रिटर्न दिया है, जो इसके ROCE एंड ROE को जस्टिफाई भी करता है। यदि आपको लगता है कि अब बस कंपनी अब करेक्शन लेगी तो ऐसा नहीं है। टेक्निकल देखकर लगता नहीं है कि कंपनी में कोई करेक्शन आएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका प्राइस 126 रुपए है। सरप्राइजिंग नहीं होगा यदि नेक्स्ट 1 ईयर में स्टॉक प्राइस 250 भी क्रॉस कर जाए। और इस स्टॉक को आप अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और खुद के रिसर्च एंड एनालिसिस करके बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स में 22% की ग्रोथ हुई है
एंड नेट प्रॉफिट भी 26 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया है। यहाँ एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के रिजर्व जो अब तक नेगेटिव में थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। मार्च 2020 में कंपनी के रिजर्व 22 करोड़ थे जो कि माइनस में थे, और यही रिजर्व मार्च 2023 में बढ़कर 59 करोड़ हो गए एंड नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है एंड पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, जो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं।